गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू दी ऑनलाइन मेगा रिविजन प्रोग्राम एज यू नो वी रिसेंटली कंडक्टेड यूर फुल फाउंडेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास इलेवंथ विच इज अकॉर्डिंग टू दी जेके बोर्ड पैटर्न स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डैट पेपर विद यू जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहे हैं और एक साइड एक बच्चे के आंसर शीट शेयर हो रही है अब देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरह से आए थे और बच्चे ने आंसर किस तरह लिखे हैं तो हमें जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़नी होती है सबसे पहले तो जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन में सेक्शन ए में बताया गया है कि आपको एट वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे वन वन मार्क्स के होंगे वो सेक्शन बी में फोर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे थ्री थ्री मार्क्स के होंगे सेक्शन सी में फाइव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे फोर फोर मार्क्स के होंगे वर्ल्ड लिमिट जो है वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स होगी सेक्शन डी में फोर लॉन्ग आंसर टाइप होंगे सिक्स सिक्स मार्क्स के वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स वर्ड लिमिट होगी इसकी और सेक्शन ई e में बच्चे दो लॉन्ग आंसर होंगे आपके एट एट मार्क्स के तो वर्ड लिमिट सेम वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स देखिए जैसे इस बच्चे ने पेपर शुरू किया सेक्शन ई e से सेक्शन ई e में हमें दो क्वेश्चन आए थे एक कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं उसके मेरिट्स और डी क्या होती है हैं सेकेंड था सोल प्रोपेटरशिप क्या होती है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो ये इजी क्वेश्चन था तो बच्चे ने यही अटैम्प्ट किया सोल ट्रेडर क्या होता है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं देखो सबसे पहले उन्होंने मीनिंग लिखा सोल प्रोपारेटरशिप का सोल मीन सिंगल प्रोपारेटर मीन ओनर तो जिस फर्म का सिंगल ओनर होगा उसको हम सोल प्रोपारेटरशिप बोलेंगे तो जिसको हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं ठीक है बच्चे इसमें जो पर्सन होता है वो सिंगल ही पूरा बिजनेस को हैंडल करता है सारी कैपिटल वही इन्वेस्ट करता है सारा रिस्क वही लेता है सारा प्रॉफिट वही कमाता है तो ये होते हैं सिंगल ओनर इन्होंने फाइव सिक्स सेवन लाइन्स में इसका मीनिंग लिखा फिर मैरिट्स को मैरिट्स और डीमेरिट्स पूछे थे फोर मैरिट्स लिखे क्यूक डिसीजन मेकिंग ईजी इन्फॉर्मेशन एंड क्लोज़र सेंस ऑफ एक्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंशली इन इन्फॉर्मेशन देखिए सबसे पहले क्यूक डिसीजन मेकिंग हमें पता है कि सोल ट्रेडर में जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि अकेला ओनर होता है तो वो फास्ट ही डिजीजन लेता है तो इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो अकेला डिज़न लेगा सारे डिजन वो खुद ही लेगा क्योंकि उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता सेकेंड ईज़ इन फॉर्मेशन एंड क्लोजर इसको स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती आसानी से बिजनेस शुरू किया जा सकता है आसानी से बंद किया जा सकता hmm. है सेकेंड पॉइंट भी ठीक लिखा है इन्होंने थर्ड सेंस ऑफ एकम्पलिशन एक्म्पलिशमेंट सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट मतलब कि अपनापन बना रहेगा आपको आपका बिजनेस है आपको इससे अपनापन लगा रहेगा कि ये मेरा बिजनेस है मैं मेहनत करूँ वो बढ़ेगा तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये फीलिंग आती है कि ये चीज़ें मेरी हैं इसको आपको मोटिवेट करती है कि आप ज़्यादा काम करो नेक्स्ट कॉन्फिडेंशलिटी इन इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशलिटी इन इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जो बात बातें होंगी वो सारी सीक्रेट रहेंगी आपको अपनी बातें किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोल ट्रेडर को अकाउंट्स e पब्लिश नहीं करने पड़ते ना तो अपनी बातें किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करनी पड़ती हैं तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा ठीक लिखा है इन्होंने मेरिट्स डी मेरिट्स में बच्चे ने डी मेरिट्स लिखे अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड रिसोर्स लैक ऑफ मैनेजर एबिलिटी तो हमें पता ये सोल सोल्टिटे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर वो लाइबिलिटी नहीं पे कर पाएगा तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आई सेकेंड लिमिटेड रिसोर्स यहाँ पर रिसोर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि अकेले इंसान पर कितना पैसा होगा या कितने रिसोर्स होंगे सो इनके पास रिसोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी फिर और मैनेजर एबिलिटी क्योंकि एक इंसान है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होगा आप बोलोगे से उसको फाइनेंस की नॉलेज भी होगी उसको मार्केटिंग की नॉलेज भी होगी उसको बैंकिंग नॉलेज भी होगी या उसको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की नॉलेज भी होगी ऐसा नहीं हो सकता वो एक ही चीज़ में एक्सपर्ट होगा तो उसमें सारी नॉलेज नहीं होती है इसलिए ये एक ड्रॉबैक ड्रॉबैक बनता है इसका तो ठीक लिखा है इन्होंने आंसर को पूरे मार्क्स देंगे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग और मेरिट्स और डी मैटर तो मैंने बताया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की ही एक अंडरटेकिंग uh, होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है उस अंडरटेकिंग को चलाने के लिए तो इसका जो देख रेख होती है वो एक आई ऑफिसर करता है और पूरी जो अंडरटेकिंग होती है वो एक मिनिस्ट्री करती है तो इसका जो पैसा होता है जो इनकम जनरेट होती है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाती है तो ठीक लिखा है इन्होंने कि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल होता है ठीक है पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो इन पर वर्किंग देखते हैं इसकी डिपार्टमेंटल की ठीक है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ये ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ठीक लिखा है इन्होंने अब इसके मैरिज देखिए सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सबसे सुटेबल है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है आंसरेबल टू पार्लियामेंट पार्लियामेंट के आगे आंसरेबल होते हैं और सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स है ये ठीक है तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से किया कि ये सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सुटेबल है क्योंकि जहाँ पे देश को आ, खतरा हो चीन चीज़ों में तो वहाँ पे हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के थ्रू काम कर सकते हैं डिफेंस होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग अंडर आता है एटॉमिक एनर्जी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को सिक्योरिटी चाहिए होती है फिर बोलते हैं कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती है रूल्स बनाती है जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ठीक लिखा है इन्होंने और आंसटेबल टू बी दी पार्लीमेंट ये पार्लियामेंट के आगे आंस्टेबल होते हैं जो भी इनका बजट होगा जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी तो पार्लियामेंट के आगे आंस्टेबल होते हैं एंड लास्ट वन इज सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए इनकम सोर्स है ये क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है तो जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट के लिए इनकम बन रहा है तो ये भी इस मैरिस्ट लिखा ठीक लिखा है डी मैरिट्स में तीन लिखे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और डिले इन डिसीजन मेकिंग देखो गवर्नमेंट बड़ी इंटरफेयर करती है कामों में डिपार्टमेंट टेकिंग के कामों में टोटली गवर्नमेंट की इंटरफेयरिंग होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ कमर्शियल तरीके से काम कर रही है तो कमर्शियल तरीके के लिए बिजनेस मैन सूटेबल्स होते हैं तो इसमें यह प्रॉब्लम आती है एंड डीले डिसीजन मेकिंग यहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट के काम बड़े डिले देर चल रहे होते हैं तो डिजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है तो ठीक पॉइंट लिखे इन्होंने इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के नेक्स्ट बच्चे सेक्शन डी पे सेक्शन डी पे आए एक्सप्लेन वेरियस रिसोर्स रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस ई बिजनेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होती हैं तो देखिए बच्चे इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस को शुरू करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम चाहिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए प्रॉपर डिज़ाइन वेबसाइट चाहिए और बच्चे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग चाहिए ठीक लिखा है क्योंकि कम्... अगर आपने ई बिज़नेस करना है ई बिज़नेस होगा इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस तो कंप्यूटर हार्डवेयर होगा तो बच्चे आप ई बिजनेस कर सकते हो कोई भी बिजनेस विदाउट कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं चल सकता फिर बच्चे अपने पेमेंट लेनी है तो पेमेंट लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए पैसा आएगा कैसे ई फॉर्म में पैसा आएगा ना आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए कि आप उनसे बात करोगे वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो टेलीफोन या सारी फैसिलिटीज़ जो भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में चाहिए होंगी वो हमें चाहिए यहाँ पर फिर वेबसाइट होगी तो लोग आपके वेबसाइट पर जाएंगे फिर सर्च करेंगे फिर चीज़ें सेलेक्ट करेंगे फिर आपको ऑर्डर देंगे तो उसके लिए प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे को सब कुछ चलाने के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए क्योंकि जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी वो कैसे ये बिजनेस कर पाएगा तो ई बिज़नेस चलाने के लिए हमें क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए जो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके बेटर तरीके से काम कर सके तो बच्चे ये क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा हुआ है तो इसमें पॉइंट्स इनको एक और भी ऐड कर सकते थे पर मिल सकते हैं इनको नंबर इसके सिक्स मार्क्स नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आया है एक्सप्लेन दी इंसेंटिव स्कीम्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रीज ग्रोथ इन रूरल एरिया गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव स्कीम्स दी कि ये जो है रूरल एरियाज में समाज के इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो सके जैसे लैंड पे पावर पे वाटर पे फाइनेंस पे ऑक्ट्राई हो गया सेल्स टैक्स हो गया रॉ मटेरियल हो गया इन पर बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई स्कीम मतलब सब्सिडीज देना शुरू कर दी लैंड पे तो गवर्नमेंट ने कई जगहों पर फिफ्टी परसेंट कंसेस रेट पर इनको जगह मिल रही हैं ठीक है थेके? कि आप वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोली जाएँ पावर हो गया बिजली बिजली का भी फिफ्टी परसेंट बिल इनको माफ कर दिया जा रहा है कई स्टेट्स ने तो हंड्रेड परसेंट माफ़ कर दिया कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोली जाएँ क्योंकि उनके एरिया की डेवलपमेंट होगी वाटर पे भी सेम फिफ्टी परसेंट को रेट्स कम कर दिए गए कई जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पानी देना शुरू कर दिया फाइनेंस फंड्स चाहिए गवर्नमेंट ने कहा हम आपको कंसेशन रेट्स पर फंड दिलवाएंगे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो ऑक्ट्राइड ड्यूटी जो होती है कई स्टेट्स ने बंदी कर दी है कई स्टेट्स ने कहा कि हम कम लेंगे तो उससे भी क्या होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी फिर सेल टैक्स पे भी गवर्नमेंट ने इनको सेल टैक्स कई स्टेट सेल टैक्स बंद कर दिया कि हमें सेल टैक्स आपको सेल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं अगर आप इस स्टेट में बिजनेस करोगे तो इससे क्या होगा डेवलपमेंट uh, हो जाएगी उस एरिया की फिर रॉ मटीरियल तो रॉ मटीरियल भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है जैसे आयरन होता है स्टील होता है गवर्नमेंट कहा हमको कंसेशन रेट पे प्रोवाइड करवा देंगे तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव्स दिए इनको कि ये भी अपनी डेवलपमेंट करवा सके ठीक है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके भी नेक्स्ट देखिए थर्टीन क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंपनी फॉर्मेशन किस स्टेज में उधर चार स्टेजेस होती हैं प्रमोशन इन कॉपरेशन कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो देखिए uh, सबसे पहले प्रमोशन आ गया प्रमोशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रमोटर का क्योंकि प्रमोशन से ही जो कंपनी होती है प्रमोट होती है सारा काम प्रमोटर करता है यहाँ पर ठीक है तो ये पहली स्टेज है इंपॉर्टेंट स्टेज है यहीं से आप डिसीज़न लोगे कि मैंने काम क्या करना है आपका माइंड में आइडिया आएगा उस आइडिया को प्रैक्टिस में लाओगे आप फिर प्लानिंग करोगे फिर इनपुट्स इकट्ठी करोगे तो ठीक लिखा है इन्होंने फिर उसके बाद फॉर्म को रजिस्टर करवाना पड़ता है सेकेंड स्टेज विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं होगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे रजिस्टर ऑफ़ द कंपनी में वहाँ पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी पूरी करके आप फॉर्म को रजिस्टर करवा दोगे जब फॉर्म आपकी रजिस्टर हो जाएगी फिर जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना काम शुरू कर देंगी करना मगर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या जो प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने शेयर इशू करने हैं उनको नेक्स्ट ईयर पर जाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर अब उनको कैपिटल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी सर कैपिटल सब्सक्राइब के लिए सै से अप्रूवल लेना पड़ेगा फिर हम सै से अप्रूवल लेकर अपने शेयर्स हमें मार्केट से रेज करने हैं तो स्टॉक मार्केट में भी हमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो इस तरीके से ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है फिर जब कैपिटल हो जाती है फिर लास्ट ये जाती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब हमें अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लेना जरूरी है ठीक है तो इससे क्या होगा कंपनी पूरी तरीके से फॉर्म होगी और अपना काम करना शुरू कर देगी ठीक लिखा हुआ इन्होंने सिक्स मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट देखिए फोर्टीन जो क्वेश्चन है दैट इज वट आर दी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन डिफाइन ट्रेड वेरियस एक्ज ट्रेड तो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन करना आसान समझा क्योंकि इजी था ये ट्रेड हमें पता ही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू द कस्टमर्स ट्रेड इज़ द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम दी मैनुफैक्चर टू द प्रोड्यूसर्स मैनुफैक्चर से प्रोड्यूसर तक जो गुड्स पहुँचा रहे हैं वो ट्रेड के थ्रू पहुँच रहे हैं तो ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अब ट्रेड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं एक्जुलरीज क्या क्या आती हैं ट्रांसपोर्ट आ जाता है बैंकिंग आया है इंश्योरेंस आया है एडवर्टीजमेंट आता है वेयर हाउसिंग आता है देखो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फार फ्लंग एरियाज़ में गुड्स कैसे पहुँचेंगे ठीक लिखा है इन्होंने बैंकिंग नहीं होगा बच्चे तो मनी ट्रांसफर कैसे होगी ये भी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस नहीं होगी तो गुड्स डैमेज हो गया या कुछ फायर लगी तो तो बिजनेसमैन घाटे में चला जाएगा तो इसलिए फायर भी इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है फिर वेयर हाउस नहीं होंगे तो गुड्स स्टोर कहाँ करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है वेयर हाउस वाला पॉइंट और एडवर्टीजमेंट आपको पता है अगर एडवर्टाइज़ नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी सो ये भी ठीक लिखा है इन्होंने तो इनको पूरे सिक्स मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए ठीक है अब आते हैं फोर फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला था डिस्कस द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस देखिए बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता ठीक पॉइंट लिखा हुआ है क्योंकि बिजनेस का मेन एम ही प्रॉफिट कमाना होता है मैंने ये भी लिखा हुआ कि मेन एम है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना कोई भी बिजनेस यूनिट सर्वाइव कर ही नहीं सकता बिजनेस के प्रॉफिट के बिना फिर ग्रोथ और एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस की ग्रोथ चाहते हो या चाहते हो बिजनेस मेरा एक्सपेंड करें तो बच्चे प्रॉफिट होना जरूरी है और रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क रिस्क जो ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या है प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट होगा तो हम रिस्क बेयर कर सकते हैं तो बच्चे ये भी इन्होंने ठीक लिखा हुआ है तो इनको उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दैट इज फोर मार्क्स इसमें एक पॉइंट वो लिखा बेटर रेपुटेशन जो कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसकी ज़्यादा रेपुटेशन होगी तो मतलब गुडविल बढ़ेगी उसकी ठीक पॉइंट लिखिए इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अब नेक्स्ट देखिए बच्चे प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एक्सेप्टिंग ठीक है यहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट डिपोजिट एक्सेप्ट करते हैं ठीक है पैसा जमा कराते हो यहाँ पे लोन्स एंड एडवास प्रोवाइड करवाते हैं बैंक्स आपको दो पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे डिटेल में लिखा हुआ पर थोड़ी सी गलती की है तो यहाँ पे इनके मार्क्स कर सकते हैं और एक पॉइंट और ऐड कर सकते थे ठीक है फिर देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर एट्थ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है इन्होंने बेसिस भी लिखे इक्विटी शेयर का मीनिंग लिखा प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग लिखा इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं रियल ओनर होते हैं ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते इनके पास वोटिंग राइट होते हैं इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती इनको कोई परिफेंस नहीं इनको मिलती इनको प्रफेंस मिलती हैं किस में मिलती हैं सर डिविडेंड पे करने के टाइम पर भी इनको प्रेफरेंस मिलेगी और इनकी जो कैपिटल जब कंपनी डिजॉल्व हो जाएगी उस टाइम पर इनको प्रफेंस मिलेगी कैपिटल पे और इनको रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स का इनका फिक्स होता है और ठीक पॉइंट लिखे हुए हैं इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एक्सप्लेन दर्विसेज रेंडर बाई दी होल सेलर्स टू रिटेलर्स होल सेलर्स क्या क्या, -क्या सर्विसेज दे रहा है रिटेलर्स को तो बच्चे क्यूक सप्लाइज फाइनेंशियल सपोर्ट मार्केट इंफॉर्मेशन प्राइजिंग लोअर प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड पा रहा है बहुत सारे पॉइंट्स लिखे इन्होंने कि होल क्या क्या सर्विसेज दे रहा है रिटेलर्स को देखिए जल्दी सप्लाई करता है होल नहीं होता तो रिटेलर को सप्लाई कैसे मिलती है इसको क्रेडिट पे सामान दे देता है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं मार्केट की इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मार्केट में ये गुड्स आ रहे हैं इस तरह के गुड्स आ रहे हैं तो होल ये भी हेल्प करते हैं प्राइसिंग को मेनटेन करके रखा हुआ है होल ने लोअर प्राइस पर गुड्स दे देता है अगर बल्क में खरीदते हैं वो तो ठीक पॉइंट लिखे हुए बच्चे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कंपनी क्या होती है उसके मेरिट्स के होते हैं तो हमें पता ही है कंपनी uh, क्या होती है कंपनी आर फॉर्मड अंडर दी कंपनी सेक्ट दी आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी तो अब इसने मीनिंग लिखा पहले थोड़ा वे ऐड कर सकते थे चलो कोई बात नहीं इतना भी चलेगा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग इन्होंने लिखा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं तो बच्चे देखिए प्राइवेट कंपनी हैज़ गिवन नो लिमिट ऑन मैनेजियल एंड डेमोनेशन ना मैनेजियल चीज़ों पे मतलब कि आपको मैनेजर एबिलिटी के लिए की बात की गई यहाँ पे रेमोनेशन के सैलरीज की कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सन काम करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था बच्चे वो क्वेश्चन था कि कंपनी के मैरट लिखने हैं इन्होंने प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में लिखना शुरू किया थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में गलती कर दी इनको यहाँ पे कंपनी के मैरट लिखने चाहिए थे जैसे इनको यहाँ पे मेरिट्स में लिखना चाहिए था कि लार्ज कैपिटल इकट्ठी कर सकती है कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है ठीक है इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बस ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें सस्ती मिलती है इनको लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाती है ये पॉइंट लिखने चाहिए थे बच्चे तो इन्होंने ये थोड़ा बहुत यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में लिख दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी तो यहाँ पर इनके मार्क्स कर सकते हैं जैसे अब ये फोर मार्स ऑफ क्वेश्चन है तो थ्री मिलेंगे इसमें ठीक है नेक्स्ट देखिए अब बी सेक्शन पे आते हैं बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि काज ऑफ बिजनेस रिस्क तो नेचुरल काज ह्यूमन काज और फिजिकल काज ठीक लिखा है इन्होंने नेचुरल काज भी हमें पता ही है अर्थक्वेक हो गया क्लाइमेटिकल चेंज आ गई कोई हैवी रेंस हो गया लॉस ऑफ लाइफ हो गया ठीक है ह्यूमन काज पर डिसऑनेस्टी इंप्लाइज की और फिजिकल कास्ट में कोई टेक्निकल मैकेनिकल फॉल्ट आ गया कुछ भी मैकेनिकल फॉल्ट आ गया कुछ भी आ गया तो ठीक लिखा है इनको इनको इसके थ्री मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थ्री प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इन्होंने ऑटोमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी तो ऑटोमोस्ट गुड फेथ में बताया था आपको जब भी इंश्योरेंस लेनी है तो जो भी मटेरियल फैक्ट होगा वो अपने साथ बताना है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसका है इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए वही इंडी कहते हैं कि जितना लॉस होगा उतने पैसा मिलेगा आपको तो ठीक लिखा है तीन मार्क्स मिल जाएंगे इसकी नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूअर्ड कंज्यूमर्स बिजनेस की कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉसिबिलिटी है इन्होंने लिखा हुआ good supply consumer, है गुड्स सप्लाई करो एज पर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर ठीक है फिर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल प्राइसिस पर गुड्स देने चाहिए प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए ठीक है यहाँ प्राइस है इट मस्ट अवॉयड द लार्ज लॉस एम्ड बाय दी एम्ड एट प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी लॉस बने उसको माने ठीक पॉइंट लिखे उन्होंने तो इनको यहाँ पे तीन मार्क्स पूरे मिल जाएंगे फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाऊँ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स तो कमिटमेंट टू टॉप मैनेजमेंट डिवाइस कोड ऑफ कंडक्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज तीन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के यहाँ पे भी ठीक लिखा हुआ है अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे देखो ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव था नेम टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ठीक लिखा बच्चे इन्होंने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ठीक लिखा हुआ है सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एम एनसी इम्प्लाइज कंट्रोल बाय हेड क्वार्टर करता है ठीक लिखा है इन्होंने डी टी एच सर्विस कौन देते हैं सैलर कंपनीज वाले ठीक लिखा हुआ है इन्होंने कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होती है कैपिटल सब्सक्रप्शन से सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबिंग द कैपिटल टू द पब्लिक फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ठीक लिखा हुआ है इन्होंने इंटरनल ट्रेड क्या होता है इंटरनेट ट्रेड इज़ फॉलोइंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री ठीक है ठीक लिखा हुआ इन्होंने नेम टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल बताओ जेंटिक इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ठीक लिखा है इन्होंने नरबाद बैंक की फुल फॉर्म पूछी हुई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ठीक लिखा हुआ इन्होंने रिटेलर्स बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेल इन स्मॉल क्वांटिटीज यहाँ पे बच्चे ट्रू है ठीक है लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं लार्ज क्वानिटी सॉरी यहाँ फॉल्स है बच्चे लार्ज स्मॉल क्वान्टिटी में लार्ज क्वान्टिटी में रहते हैं यहाँ पर यहाँ फॉल्स होना चाहिए था तो। ये है फॉल्स बाकी इन्होंने ठीक लिखे हैं सेवन ऑब्जेक्टिव ठीक है इनकी तो बच्चे मैंने पेपर आपके साथ ऑन दी स्पॉट चेकिंग की और बताया कि बच्चे ने क्या क्या माइनर माइनर गलतियाँ की थी तो बाकी रेस्ट पेपर ठीक थे पहले सचुएशन ठीक थी तो माइनर एक ऑब्जेक्टिव में गलती हुई तो एक इन्होंने क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया था जो कंपनी और उसके मेरिट्स में इन्होंने गलती की हुई है रेस्ट पेपर ठीक था थैंक यू स्टूडेंट्स